काफी सीए फाउंडेशन वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस डाली हैं तो क्या आप इकोनॉमिक्स में हमारी कोई हेल्प नहीं करोगे। तो इकोनॉमिक्स में आपकी हेल्प के लिए मैं आपके लिए आया हूं स्पेशल 4 ऐसे टेस्ट सॉल्व। इसका मतलब आप इन टेस्ट को पढ़ेंगे, 4 सेट हैं आपके लिए, हर एक सेट में 60 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको ये नहीं करूंगा कि पहले क्वेश्चन दूंगा फिर आप उसे टाइम वेस्ट करेंगे और फिर उसमें आंसर मार्क करेंगे फिर उसे मैच करेंगे। सिंपल सिंपल ये सेट नंबर 1 है, आप इसके सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि इसके ऊपर आंसर मार्क्ड है। तो आपको क्या करना है, बस इसे रीड करना है और चले जाना है। ये है सेट नंबर 1, ऐसे ही सेट नंबर 2 है, ऐसे ही सेट नंबर 3 है। ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जिन बच्चों की फुल फ्लेज तैयारी हो चुकी है और जो ये चाहते हैं कि आपको मार्क्ड वाले नहीं चाहिए, ये तो हमने पढ़ लिए, अब हमें एक दो टेस्ट ऐसे दो हमें चाहिए कि हम इवैल्यूएट कर सके कि कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो 2 टेस्ट मेरे पास इकोनॉमिक्स के ऐसे हैं और जो अनसॉल्व्ड हैं, और एक मेरे पास बीसीके का टेस्ट है जो कि आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा। इन टेस्ट की खास बात ये है कि आपको ऐसे जो एग्जाम पैटर्न है कि हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए ये टेस्ट बनाए गए हैं। तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे, मैं ये नहीं बोल रहा यही क्वेश्चन आएंगे, मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चन को अगर आप कर पाओगे तो आप एग्जाम के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कर पाओगे, और कुछ नहीं पता इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। दूसरी चीज, जिन बच्चों का मैथ का पेपर थोड़ा सा खराब गया है, वो बच्चे थोड़े से डिलेमा सिचुएशन में है कि सर मतलब लास्ट पेपर हम दे तो रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैथ के पेपर में रह ही जाएंगे, उसके बाद मोटिवेशन बनाना बड़ा मुश्किल है, तो ये है पेपर इकोनॉमिक्स का। आपको बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने नहीं है, आपको सिर्फ जो आपने मेहनत की हुई है उसे रिवाइज करके पेपर देके आना, बाकी एग्जाम बाकी आप इंस्टीट्यूट पे छोड़ दीजिए कि कितने नंबर आएंगे मैथ्स वगैरह में। फिर काफी सारे बच्चे बोले कि क्या सर फाउंडेशन में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? आंसर इज यस, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी बच्चे के 39-38 है और बाकी वो ओवरऑल में पास है तो इंस्टीट्यूट ऐसा करता है कभी कभी कि कुछ केसेस में वो ग्रेस मार्क्स देके बच्चों को किया है, पास्ट में ऐसा काफी बार हुआ है। तो बिल्कुल भी मैथ के पेपर को लेकर निराश ना हो। जिन बच्चों का मैथ का पेपर बाकी, काफी सारे बच्चे मुझसे पूछे कि सर ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलते हैं, था आंसर इज यस, चाहे वो मैथ हो या किसी में भी बच्चा अगर ओवरऑल पास हो रहा है। कई सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बस 39 थे और फेल भी कर दिया, ऐसी भी सिचुएशन होती है और ग्रेस मार्क्स वाली भी सिचुएशन होती है। तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए होपफुल रहना है अपने लिए कि हां आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, और हो सकता है 39 वाली सिचुएशन आए ही ना आपके साथ, 38-39 वाली। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ये आपका लास्ट पेपर है, आपको पेपर देने जाना है। पेपर आपका मैथ का कैसा रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और जिन बच्चों को अनसॉल्व वाले पहले मैंने आपको बता दिया कि 4 सेट है आपके पास, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4। इन चारों सेट को सॉल्व करने में मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आंसर इसी के साथ मार्क्ड है, तो आप साथ के साथ आंसर देख सकते हैं। अनसॉल्व के लिए मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूं, फटाफट से आप उस पर व्हाट्सएप करके अनसॉल्व वाले पेपर ले सकते हैं। अनसॉल्व वाले बच्चे वही सॉल्व करें जिनको श्योर हो कि हाँ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन पहले इनको कर लेना। तो नंबर आपके सामने मैंने ये लिख दिया, 9903-9946, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने लिए टेस्ट पेपर ले सकते हैं। तो जैसा कि आपकी हर एक पेपर में हेल्प की गई है, यहाँ पर भी हेल्प की जाएगी। आपको व्हाट्सअप करना है इस पे अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, और कोर्स में डालना है सीए फाउंडेशन, तो आपको ये जो टेस्ट है बहुत जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा इस केस के अंदर। तो ये है आपके लिए मेरी साइड से इकोनॉमिक्स में हेल्प। ये जो टेस्ट है ये स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में, जिन बच्चों का फुल फ्लेज टेस्ट लिया जाता है हमारे कोचिंग में, इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट टीचर से मैंने कंसल्ट करके उन्होंने ही बना के दिए हैं, और हर एक कंसेप्ट हर एक चैप्टर का इसके अंदर कवर्ड है। तो बच्चे ध्यान से करके जाइएगा इन वाले क्वेश्चंस को, और आपको काफी सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो ये रही हमारे सीए फाउंडेशन की, ऑलमोस्ट हमने सभी वीडियोस डाली हैं इस बार सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो अब इकोनॉमिक्स हो। कल मैं आपको मिलूंगा सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के पेपर की जो स्ट्रेटजी हमने बताई उसके बाद एग्जाम रिव्यू में कि बच्चों का पेपर कैसा गया, स्कूल हम डिसाइड कर लेंगे कौन से स्कूल जाना है आपको, कौन से स्कूल आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मतलब बता सकते हैं, वैसे स्कूल तो स्पेसिफाइड होता है हम किस वाले में जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बताइएगा मुझे जरूर कि आपका मैथ का पेपर कैसा था।